उन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लिखी मोटापुरा पंचायत में 7 माह पहले चोरी हुए 2 पानी टैंकरों का पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों ने 5 दिन पहले सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की है। सोमवार को ग्रामीण एसपी कार्यालय भी पहुंचे। एएसपी से मुलाकात के दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने से उन थाना पर पदस्थ एसआई ठाकुर इस कदर नाराज हो गए कि ग्रामीणों को शिकायत वापस लेने के लिए धमका रहे हैं। सरपंच सहित ग्रामीणों ने एएसपी से एसआई ठाकुर को हटाने के साथ ही चोरी गए टैंकरों को सुराग लगाकर दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हम ग्राम मोटापुरा के रहने वाले हैं। ग्राम मोटापुरा में 6 महीने पहले टैंकर चोरी चले गए। 2 टैंकर थे, राज्यसभा सांसद के और एक सांसद निधि का, और दोनों ग्राम पंचायत के अधीनस्थ थे ना। वो दो ही खाले में रखे हुए थे। खाले में सरपंच ने साठ गाठ करके उनको रवाना कर दिया। कब से गए? ये 6 महीने हो गए। इसकी शिकायत करी गई है? इसकी शिकायत करी थी उन थाने पर वहाँ कायमी नहीं करी थी। उसके बाद में अभी 8 रोज सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करने के बाद में अभी 8 रोज बाद शिकायत हुई। पूर्व में कितनी बार शिकायत कर चुके हैं इसकी? 4 बार कर चुके हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई है। कौन सरपंच है? वहाँ महिला है, सुंदर भाई पतिमा। और क्या लगता है आपको टैंकर टैंकर बेच दिया कि चोरी हो गए? क्या लगता है आपको? टैंकर चोरी चोरी नहीं हुई है, बेच ही दिए। किन लोगों ने बेचे होंगे? बस वो पंचायत बताएगी। पंचायत के पंचायत वाले भी सरपंच साहब ने भी शिकायत कर रहे हैं कि है ना मोहन, वही बताएगा। आप क्या चाह रहे हैं आप? हम तो टैंकर की छानबीन करके टैंकर कौन लोग ले गए उनकी शिकायत करनी है। क्या नाम आपका? चिंताराम मंडलोई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।